अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, कुर्लुस उस्मान के नए आने वाली किस्त 156 के हवाले से हम आपको कुछ न्यू अपडेट्स फराहम करने जा रहे हैं। आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी ही सब्सक्राइब करें। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं आने वाली किस्त 156 का। तो आपको मालूम होगा कि आने वाली किस्त इस हफ्ते को आनी थी, जो कि ईद की छुट्टियों की वजह से ताखीर का शिकार हुई। ईद के बाद आने वाले हफ्ते में रिलीज कर दिया जाएगा। हम आपको बताते चले, इस बार कोई न्यू एंट्री भी होने जा रही है। जैसा कि अदाकार कंटर सलार शामिल ने कुर्लुस उस्मान ज्वाइन कर लिया है, आने वाली किस्त में वो भी एक्शन में दिखाई देंगे। और आपको ये भी बताते चले कि वो कुर्लुस उस्मान सीरीज में ततार शफदर का किरदार अदा करेंगे। ये उस्मान बे का सख्त तरीन मुखालिफ होगा। ये भी कहा जा रहा है कि बाजाब्त तौर पर बख्तश और बंगी ओस्तुरुक ने भी कुर्लुस उस्मान सीरीज को ज्वाइन कर लिया है। वो जनाब इब्राहिम और इनकी एहलिया के किरदार अदा करेंगे। आने वाली किस्त के हवाले से हम आपको बताते चले, एक नई कहानी देखने को मिलेगी। बहुत से नए किरदारों की एंट्री मुमकिन है और कुछ पुराने किरदार उस्मान सीरीज को अलविदा कहेंगे, जिनमें मलहून खातून और चेरकुताई शामिल हैं। ये भी कहा जा रहा है कि मिकाइल कोशिश की भी एंट्री हो सकती है, जिनको आप जानते हैं कि तिकफूर थे, उस्मान बे के साथ काफी जंगें भी लड़ी, आखिरकार मुसलमान हुआ। अगर बुरसे को दिखाया जाता है तो फिर कोशिश की भी एंट्री यकीनी है। इसके साथ साथ हम आपको बताते चले कि आने वाली किस्त में मंगोलियों की भी एक बहुत जबरदस्त एंट्री देखने को मिलेगी। तो वो एक हमले के साथ अपनी एंट्री का आगाज कर सकते हैं, जिससे उस्मान बे के लिए काफी मुश्किल हो सकती है। एक तरफ मिगाजा कल्ले को भी फतह करना लाजिम है, इसके बगैर बुरसा और उजनिक के फतह के ख्वाब देखना फजूल है। याकूब बे की भी एंट्री होगी, जो कि इस बार उस्मान बे का और खिलाफ होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि गुंजा की शादी का मामला है। उस्मान बे ने अलाउद्दीन से कहा है कि ये शादी हर हाल में करेंगे। उस्मान किसी काम को करने का इरादा करते हैं तो फिर वो करके दम लेता है। याकूब बे ने इसकी शादी पहले से सुलेमान से तय कर दी है। अगर ये शादी सुलेमान से हुई तो इनका इतिहाद होगा, फिर वो मजबूत होंगे, इसी तरह वो मिगाजा फतह कर लेंगे। इसलिए उस्मान बे उसे कभी नहीं छोड़ेंगे और ये शादी अलाउद्दीन से कर देंगे। याकूब बे इसलिए उस्मान बे का शदीद मुखालिफ होगा। ये थी कुछ न्यू अपडेट्स। आपसे गुजारिश है कि मजीद ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल रियल अमेजिंग फैक्ट्स को लाजमी सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे नए आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके।